21 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बुधवार को विकास भवन के मुख्य द्वार पर गेट मीटिंग किया। गेट मीटिंग के पश्चात महासंघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। इस दौरान महासंघ के सदस्यों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन भी किया। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान महासंघ के अध्यक्ष शेखर शरण श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह, जिला मंत्री पलटू प्रसाद, छोटेलाल, सुशील, गंगा चौधरी सहित महासंघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महासंघ के अध्यक्ष शेखर श्रीवास्तव ने कहा, ये हमारा 21 सूत्री मांग है चतुर्श्रेणी महासंघ का, और नई पेंशन बहाल, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, नई पेंशन बंद किया जाए। अगर ये नहीं होता है तो 17 जुलाई को हम लोग लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन उस समय भी देंगे। और आज भी हम लोग मुख्यमंत्री को संबोधित और प्रधानमंत्री को संबोधित, प्रधानमंत्री को 9 सूत्री और मुख्यमंत्री को 21 सूत्री माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया।